गिरिडीह अधिवक्ता संघ ने शहर के जाने माने व्यक्तित्व और अधिवक्ता स्वर्गीय चंद्रमोहन सिन्हा उर्फ चेनू बाबू को मंगलवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गिरिडीह बार एसोसिएशन में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। बताया गया कि चंद्रमोहन सिन्हा का देहांत गत वर्ष 19 फरवरी को उनके तत्कालीन निवास दिल्ली NCR में हो गया था। चंद्रमोहन सिन्हा ने 5 दशकों से अधिक समय तक वकालत की प्रैक्टिस की। गिरिडीह कोर्ट के अलावे उन्होंने चास, बोकारो, रांची और दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपनी सेवाएं दी। चेनू बाबू को कानून पर उनकी पकड़, जिरह की धार और अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में अतुल्य कमांड के लिए याद किया जाता है। उन्हें सिविल तथा क्रिमिनल दोनों तरह के कानून में महारत हासिल थी और कई वर्षों तक वो गिरिडीह कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पद पर भी रहे। साल 2000 के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पैनलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दी। गिरिडीह के पहले सांसद नागेश्वर सिन्हा के द्वितीय सुपुत्र चंद्रमोहन सिन्हा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वकालत के अलावे उन्होंने राजनीति, समाज सेवा और पत्रकारिता में भी अपनी सेवाएं दी। उनका कहना था कि एक एडवोकेट को समाज के प्रति अपने दायित्वों को भरपूर निभाना चाहिए और एडवोकेट को एक्टिविस्ट भी होना चाहिए। पत्रकार अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने समाज के दबे कुचलों को आवाज दी। उदाहरण के तौर पर 1980 में बनियाडीह गिरिडीह के भदवा कोल माइंस में दुर्घटना के बाद लगभग 100 दबे मजदूरों को बचा निकालने की उन्होंने मुहिम छेड़ दी। तब के स्थानीय प्रशासन ने पहले इस घटना का खंडन किया, लेकिन चंद्रमोहन सिन्हा जी के लगातार पहले पन्ने की रिपोर्टिंग और कानूनी विमर्श से प्रशासन भी जागा और मजदूरों को बचाया जा सका। गौरतलब है कि श्री सिन्हा ने साल 1966 में लॉ का लाइसेंस हासिल किया था और तभी से गिरिडीह कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। उन्होंने लगभग 35 साल तक गिरिडीह में वकालत की। उन्हें सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस में महारत हासिल थी। श्री सिन्हा गिरिडीह के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे, जिसमें उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कानून का कार्यभार संभाला। वे बेहद शालीन और शांत स्वभाव के व्यक्तित्व थे। उनके पास कोर्ट तथा जीवन से संबंधित रोचक कहानियों का खजाना था। गिरिडीह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत समेत अन्य अधिवक्ताओं ने स्वर्गीय चंद्रमोहन सिन्हा को नमन किया। ये आज जो 9 फरवरी है, हम समझते हैं गिरिडीह बार एसोसिएशन के लिए एक मिश्रित डे इसको हम बोलते हैं। एक तो हमारे सीनियर आदरणीय चंद्रमोहन सिन्हा जी, जिनको प्यार से गिरिडीह में चेनूदा लोग कहते थे, जैसे से एडवोकेट्स और पत्रकार भी रहे हैं, वो हमारे गुरु थे और हम लोगों ने उनसे जीवन में बहुत कुछ सीखा है। आज यहाँ सभागार में हम उनका एक चित्र लगाने जा रहे हैं। इसी अवसर पर उनके परिजनों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसी निमित्त हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए थे सारे एडवोकेट्स, और हम लोगों ने उनके जीवन पर चर्चा की, उनके आदर्श पर, उनके आइडियोलॉजी पर। और कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो हम गिरिडीह के अधिवक्ता होने का अगर गौरव है तो ऐसे शख्सियत के वजह से, नागेश्वर बाबू के वजह से, चेनूदा के लोग जैसे वजह से हम लोग गर्व महसूस करते हैं, गौरव है हमारे लिए। आज पुण्यतिथि तो उनका नहीं था, लेकिन उनका तस्वीर हम लोग लगा रहे हैं, उनके पुण्यतिथि के रूप में ही आज हम लोगों ने 2 मिनट का यहाँ उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी, मौन रखा और ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने इस रूप में दिया है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनके परिजनों को बहुत शुभकामना और साधुवाद देना चाहते हैं। उन्होंने एक ऐसे शख्सियत को यहाँ हमेशा जीवंत करने का काम किया, जो गिरिडीह बार एसोसिएशन के आदर्श थे, स्तंभ थे और एक बड़े अधिवक्ता थे। उनको यहाँ आज एक चित्र के माध्यम से उन लोगों ने जीवंत किया। फिर से हम अपने एसोसिएशन की ओर से उनको बहुत शुभकामना और साधुवाद देना चाहते हैं। कार्यक्रम में जितने अतिथि भी आए, प्रेस मीडिया के लोग थे, एडवोकेट्स थे, वो सारे लोगों को बहुत ही हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उनको बहुत सारा आभार।